गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्राई सम्प टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम समझाया था। आज मैं आपको ऑयल पंप का रिवीजन कराऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे ऑयल पंप क्या कार्य करते हैं, ऑयल पंप कितने प्रकार के होते हैं तथा ऑयल पंप की वर्किंग किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑयल पंप का कार्य। ऑयल पंप ऑयल सम्प से इंजन ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल को पंप करके प्रेशर के साथ ऑयल गैलरी में भेज देते हैं ताकि इंजन के जो वर्किंग पार्ट्स हैं या मूविंग पार्ट्स हैं वो आसानी से लुब्रिकेट हो सके और इंजन को सीज होने से बचाया जा सके। देखते हैं ऑयल पंप के प्रकार। ऑयल पंप कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। पहला गियर टाइप ऑयल पंप, दूसरा रोटर टाइप ऑयल पंप, तीसरा वैन टाइप ऑयल पंप, चौथा प्लंजर टाइप ऑयल पंप, पांचवा क्रिसेंट टाइप ऑयल पंप। वर्तमान में रोटर टाइप ऑयल पंप और गियर टाइप ऑयल पंप अधिकतर प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको यहां पर एक गियर टाइप ऑयल पंप दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से। ये आप देख रहे हैं गियर टाइप ऑयल पंप की हाउसिंग और इसके अंदर दो गियर, ये ड्राइवर गियर जो विशेषतः इंजन की केमशाफ्ट से ड्राइव देता है और ये दूसरे गियर को घुमाता है, ये ड्रिवन गियर। गियर और हाउसिंग के मध्य में हल्का सा क्लियरेंस ताकि गियर इस हाउसिंग के अंदर आसानी से मूव कर सके, यानी कोई आवाज पैदा ना करे और गियर के तीर घिसे नहीं। ये पंप का इनलेट मार्ग और ये पंप का आउटलेट मार्ग। देखते ही इस गियर टाइप ऑयल पंप की वर्किंग। जैसे ही इंजन की कैमशाफ्ट के द्वारा ये ड्राइवर गियर घूमता है, ये ड्रिवन गियर को भी घुमाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहां पर कि ड्राइवर गियर की अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इससे इस इनलेट मार्ग में यहां पर एक सेक्शन क्रिएट होता है जिससे कि ऑयल सम्प से खींचकर यहां भर जाता है। अब आप देख रहे हैं ऑयल ये गियर के तीर के मध्य भर जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये गियर काफी स्पीड में घूमते हैं जिससे ऑयल सीधे नहीं जाकर, क्योंकि यहां पर दोनों गियर के तीर आपस में एक या दो तीर मैच हैं, तो ऑयल जो है सीधे न जा पाता है न ही सीधे वापस आ पाता है। ऑयल कैसे जाता है, ये गियर के तीर के मध्य में ऑयल भर जाता है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ऑयल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाता है और एक प्रेशर के साथ यहां से आउटलेट मार्ग से ऑयल गैलरी में प्रेशर के साथ चला जाता है। इस प्रकार से यह गियर टाइप ऑयल पंप कार्य करता है। दूसरा आपको यहां पर एक रोटर टाइप ऑयल पंप दिखाया गया है। यह पंप ये आप देख रहे हैं, ये पंप की केसिंग या इसका हाउसिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर एक आउटर रोटर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 लॉब्स और जिसके अंदर एक इनर रोटर जिसमें 1, 2, 3, 4 लॉब्स बने होते हैं। ये जो इनर रोटर है यह इंजन की कैमशाफ्ट के द्वारा ड्राइव लेता है, यानी इनर रोटर में एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के नीचे गियर कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं और वो टीथ जो है कैमशाफ्ट से ड्राइव लेती है और जिसे इस इनर रोटर को घुमाती है, या ये कहें कि कैमशाफ्ट के द्वारा ये इनर रोटर घूमता है। अब यहां पर आप देखिए कि एक समय में एक ही लॉब दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं, यानी इनर रोटर और आउटर रोटर का एक लॉब जो है आपस में कॉन्टेक्ट में है, बाकी कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो क्या होता है, जब इनर रोटर आउटर रोटर को घुमाता है तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ते जाता है, आपको दिखाया गया है आयतन बढ़ रहा है। और क्या होता है, यहां पर इनलेट मार्ग में प्रेशर जो है कम हो जाता है, या ये कहें कि यहां पर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होता है जिससे कि यहां पर एक सक्शन क्रिएट होता है और इंजन ऑयल जो है सम्प से यहां पर आ जाता है या भर जाता है। इंजन ऑयल के भरने से जब इनर रोटर आउटर रोटर को घुमाता है तो इससे ऑयल दबता है या प्रेस होता है और प्रेशर के साथ जो है आउटलेट मार्ग से इंजन ऑयल जो है ऑयल गैलरी में चला जाता है। इस प्रकार से यह रोटर टाइप ऑयल पंप कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गियर टाइप ऑयल पंप और रोटर टाइप ऑयल पंप की वर्किंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।